नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है हाउ टू बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मेरे को कई बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत लोग पूछते हैं, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टुडे और आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको सही करने में। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी बॉडी फेमिनिन है क्या, मैस्कुलिन है हमारी बॉडी में क्या, फेमिनिन है, उसको बैलेंस कैसे करना है। आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने आप को एज अ फेमिनाइन बीइंग आइडेंटिफाई करते हो, ज़रूरी नहीं है आपकी बॉडी फीमेल बॉडी हो सकता है आपकी मेल बॉडी हो, बट इनसाइड आपको क्या फील होता है कि विच एनर्जी यू आर, सो उससे उस हिसाब से आपको चलना है। तो इफ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज फेमिनाइन, देन यू कैन सी कि आपकी दुनिया में, लाइक आपकी रियालिटी में आपके सबसे करीब मैस्कुलिन रिलेशनशिप्स क्या हैं। सो इट कुड बी लाइक आपके पिताजी का रिलेशनशिप या आपके ब्रदर का रिलेशनशिप, नंबर वन सबसे क्लोज, एंड नेक्स्ट कुड बी लाइक योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स और कोलीग्स एंड क्लास टीचर्स, कुछ भी हो सकता है। सो एंड नेक्स्ट यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि आपके जो आइडियाज़ जो आप कैरी करते हो अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, वो बहुत ज़रूरी है। आप सारे लिखने लग जाओ, हाउ डू यू फील अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर, लेट्स से इफ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल that you are a feminine and aap solve kar rahe ho to come into balance between masculine and feminine energies. Uske liye aapko dekhna hai aapke brother or father ke relationships who you identify as masculine. So maybe aapke brother fathers they don't identify themselves but you understand them as masculine. So kya aap kaise unko understand karte ho? So in that case it could be your father, your brother, your colleagues, your manager, your teachers, ये सब जो सबसे close relationships होते हैं, इनको लेके जो major upsets रहते हैं, mostly मैंने ये सबसे best healing ये होती है brother sister relationship में। So lucky are those जो जिनके siblings हैं जो दोनों polarity के हैं, क्योंकि आप फिर वो हील कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि बचपन में बहुत सारे नोशंस बैठ जाते हैं हमारे माइंड में। सो आप वहाँ से शुरू कर सकते हो मिरर एक्सरसाइज करना। बेसिकली आई एम अपसेट एट माय टीचर बिकॉज ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग, आई एम अपसेट एट माय सेल्फ बिकॉज आई एम वेरी डोमिनेटिंग। आप देखो कहाँ आप अपने आप से अपसेट हो, कहाँ आप डोमिनेट कर रहे हो अपने आप को। हील करो, लव करो, फिर उसको इंटीग्रेट करो। सो फोर स्टेप्स ऑफ द मेरा एक्सरसाइज, अगर किसी को नहीं पता ये मेरा एक्सरसाइज क्या है, आई विल पुट द लिंक्स जहाँ पे आप सीरीज देख सकते हो। इनर वर्क सीरीज बहुत बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो आपको वो बुक में मिलेगा ट्विन फ्लेम्स फाइंडिंग योर अल्टीमेट लवर। आपको इसमें डीप जाना है देन डेफिनेटली ज्वाइन माई ग्रुप कोचिंग और इवन बुक योर वन ऑन वन और एन इंट्रो सेशन। मैं आपको वन ऑन वन एक्सप्लेन करूँगी एंड आई विल गाइड यू हाउ टू डू मेरा एक्सरसाइज। सो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक about balancing your masculine and feminine. ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा, about your experiences, and ये सब आपका आ सकता है मीडिया से आ सकता है या सोशल सर्कल से आ सकता है या जिस कंट्री में आप रह रहे हो उससे आ सकता है या आ सकता है पेरेंट्स से और आपकी जो लीनेज है वहाँ से। सो ये सब के क्या क्या आइडियाज़ हैं जो आपको बताते हैं। सो लेट्स से सम ऑफ द कॉमन थीम्स, ज़रूरी नहीं है ये सबके लिए कॉमन है बिकॉज कई कल्चर्स में ये डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल मेल्स आर डोमिनेटिंग, मैस्कुलिन इज़ मोर पावरफुल देन फीमेल्स, ये सब आइडियाज़ हैं आपके हो गए जो आउट ऑफ अलाइनमेंट है। गॉड ने सबको इक्वल बनाया है एंड व्हेन इट कम्स टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों आर ट्विन फ्लेम्स। रिमेंबर सब धरती पे ट्विन फ्लेम्स हैं, कोई भी वो नहीं है। हम लोग सेपरेट हो गए हैं, अगर कोई है सेपरेट, जितने भी सेपरेशन में है, सेपरेशन झेल रहे हैं, उनकी कोई ना कोई ट्विन फ्लेम है एंड
स्टेटिस्टिकली अबाउट आई थिंक 95% इंडियन लाइक एवरीवन इज अनकार्नेटेड विद दैट ट्विन फ्लेम. सो आपको ये समझना है कि अभी हम बिकॉज सेपरेट हैं इसीलिए इम्बैलेंस है मैस्कुलिन और फेमिनिन में. दैट इज व्हाई वी आर वी कैन डू दिस नॉनसेंस ऑफ इम्बैलेंस. अगर हम ट्विन फ्लेम यूनियन में होते हैं तो वो इम्बैलेंस में कभी भी यूनियन नहीं चलता है, हमेशा बैलेंस में चलता है, तभी आप यूनियन में आ सकते हो. सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट आपके यूनियन के लिए, बहुत बहुत हेल्प करेगा. तो आपको देखना है कि आपके पर्सनल मतलब सोसाइटी को लेके या आपके जो अपब्रिंगिंग है आपकी जो स्कूल में या क्या नोशंस थे कि क्या मेल्स को माना जाता था कि वो प्रधान है. और ये करीब से देखना क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ा सा डिफरेंट था, फीमेल्स वर मोर डोमिनेटिंग. सो बिकॉज हर एक की सिचुएशन अलग होती है तो वो सब देखना कि अपनी फैमिली को रिफ्लेक्ट करके देखना कि कहीं मेल्स तो नहीं दब रहे और फीमेल्स तो नहीं डोमिनेटिंग है. अगर ऐसा है तभी भी इम्बैलेंस है. तो ये भी आपको अपने मिरर एक्सरसाइज से करेक्ट करना है. बेसिकली आपने कहाँ पर आपको फील करना है, कहाँ पर ये इम्बैलेंस आपको अंदर फील कैसे होता है कि यहाँ मेल्स दब रहे हैं, फीमेल्स डोमिनेट कर रही हैं, दिस लुक्स वेरी इम्बैलेंस्ड. ये चुपता आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग में जा करके वहाँ पर करेक्शन फील करनी है, वहाँ पे गॉड की करेक्शन लेकर आनी है और अपने आप को वहाँ पे बोलना है कि आई चूज टू लेट गो ऑफ दिस प्रोग्रामिंग डज नॉट सर्व मी एंड आई नाउ रिप्लेस इट बाय गॉड्स ट्रूथ विच इज मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल. और आप एक एक चीज़ को इसको लिख के कर सकते हो कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ, इसको करेक्ट कर रही हूँ, इसको करेक्ट कर रही हूँ. स्लोली आप देखेंगे कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में इम्प्रूवमेंट आएगी. जैसे कई फीमेल्स बहुत फियर में रहती हैं मैस्कुलिन को लेके, बिकॉज उनके माइंड में रहता है कि वो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं तो उनके शायद फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं मैस्कुलिन्स. तो बिकॉज ऑफ दिस फियर, आप ये फियर को निकाल देंगे तब आप देखेंगे आपका इंटरेक्शन विद एवरी मैस्कुलिन इम्प्रूव हो जाएगा. एट द कोर सब डिवाइन है, सब लविंग है. एंड जब आप अपनी लव वाइब्रेशन में, अपनी कोर वाइब्रेशन के करीब जा रहे हैं बाई डूइंग दिस, बाई रिमूविंग दीज बिलीफ सिस्टम्स जो आउट ऑफ अलाइनमेंट हैं, देन आप अपनी एक्सपीरियंस जो है, आपका जो डेली एक्सपीरियंस है वो भी डिवाइन होने लग जाता है. सो दैट इज़ हाउ एक्चुअली हेवन मैनिफेस्ट इन योर रियलिटी. तो ये दोनों चीज़ें करें आप. सबसे पहले अपने कोर रिलेशनशिप्स को देखें, ब्रदर सिस्टर मदर फादर. एंड ऑल्सो डोंट डिस्कार्ड कि पहले अपने आप क्योंकि फेमिनिन हो आपने मैस्कुलिन को हील किया, आप उल्टा भी हील करोगे. इवन दो यू आर फेमिनिन यू विल हील दैट फेमिनिन रिलेशनशिप विद यू एज वेल. कई फेमिनिन्स होती है जिनके सिर्फ मैस्कुलिन फ्रेंड्स होते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इम्बैलेंस्ड कि कहीं ना कहीं आपने फेमिनिनिटी को तवज्जो नहीं दी, कहीं पे आपने छोड़ दिया है, या आपको कभी पता नहीं, आपने कभी अपनी फेमिनिनिटी को रिस्पेक्ट नहीं दिया, कभी आपने उसको आगे आने नहीं दिया, या आपने कहीं दबा के रखा बिकॉज सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट इट. सो ये सब चीज़ें भी देखनी है. इट इज़ अ मैसिव वर्क, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क. आई विल डेफिनेटली कंसिडर कि इस टॉपिक को लेके आई विल डू अ वर्कशॉप सो दैट आपको डेफिनेटली you get a good glimpse and good set of guidelines ki aapko kaise isko heal karna hai aur isme deep kaise jana hai. And if you want to go further, definitely connect with me. Aap mere sath intro session lijiye, connect with me on this thing, on group sessions and one-on-one sessions as well. So I will look forward. ये मुझे बहुत फेवरेट लगती है क्योंकि इस हीलिंग जब मैंने इसको किया तो मेरी बिल्कुल दुनिया बदल गई थी. I stopped seeing masculine and feminine as imbalanced or separate. और एक और एक्सरसाइज हेल्प करती है कि हर एक को अपने यूनियन में देखो. Imagine that the whole world is in harmonious union with their own twin flames. तो वो दो सेकंड के लिए आप अपने हार्ट में वो फीलिंग लेकर आओ कि अगर पूरी दुनिया अपने अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ है तो कैसी फील करेगी. हम लोग सब सेफ फील करेंगे, हम लोग सब लव्ड फील करेंगे, टोटली इन सिंक फील करेंगे एंड टोटली इन गाइडेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड. एंड बिल्कुल सब चीज़ डिवाइन लगेगी.
दुनिया में रेप्स ख़त्म हो जाएंगे, इम्बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। सो दो सेकेंड आप इस पर मेडिटेट करें, ये फीलिंग को लेकर आए अपने हार्ट में, और देन स्टार्ट डूइंग योर मिरर एक्सरसाइज की मुझे ये ऐसी दुनिया में जीना है जो टोटल बैलेंस में हो। ओके, मेक दिस चॉइस फॉर योर सेल्फ एंड कंटिन्यू योर हीलिंग। कनेक्ट विद मी, आई एम कीनली वेटिंग फॉर यू टू कनेक्ट एज वेल। ओके, टेक केयर, लव योर सेल्फ, बाय।